हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के बारे में। तो आपके लिए जो है मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। इसमें रेलवे ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया और कुछ चीजें हमको इसमें बताई हैं। तो एक बार फिर से जो है वो रेलवे की वैकेंसी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। साथ में आप अपनी RRB पोस्ट को जो है वो बदल सकते हैं और आपकी फी रिफंड कैसे होगी वो भी इसमें जो है वो बताया गया। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। वहां पर मैं लगातार SSC, बैंक, रेलवे, सिविल सर्विसेज के कोर्सेज बना रहा हूं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद वहां पर शशांक कौरव लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। फॉलो बटन पर क्लिक करके आप मेरे सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। तो ये जो आपके सामने जो नोटिस दिखाई दे रहा है, ये जो है वो आज ही RRB ने को जारी किया है और यहाँ पर जो है उन्होंने कुछ 4 से 5 जो है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बात की है कि जो वैकेंसी है वो कितनी बढ़ाई गई है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि आप जो है वो RRB का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, अपनी रेलवे यूनिट और पोस्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, एग्जाम ट्रेड को कैसे जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, साथ में आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो कैसे देनी है फी रिफंड के लिए। तो ये सारी चीज मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। तो इसकी जो शुरुआत होगी वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, वो होने वाली है 22 सितंबर 2018 से। ठीक है, तो 22 सितंबर 2018 से सुबह 11 बजे जो है आप अपने फॉर्म को फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ में इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 1 अक्टूबर। तो 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। तो चलिए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवीजन ऑफ वैकेंसीज। तो जो रेलवे की जो वैकेंसी है वो पहले उन्होंने बताई थी, वो बताई थी 26,500, जो कि ALP और टेक्नीशियंस के लिए थी। लेकिन इन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था 1/8/2018 को और उसमें ये बोला था कि जो वैकेंसी है वो 60,000 जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि जो 60,000 वैकेंसी थी उनको और बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर जो है बढ़ाकर कर दी गई है वैकेंसी 64,371। ठीक है, तो लगातार जो है वो रेलवे हमको नई नई चीज़ें यहाँ पर बताते जा रहा है। हो सकता है एग्जाम आते आते तक ये वैकेंसी पता नहीं कितनी पहुँच जाए। यहाँ यदि हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट की, तो इसकी जो वैकेंसी अब हो गई है टोटल वो हो गई है 27,795 और जो टेक्नीशियंस की जो वैकेंसी है वो हो गई है 36,576। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बढ़ा दी गई है वैकेंसीज को। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो सेकंड इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी वो ये दी है कि सिलेक्शन ऑफ RRB एंड फिलिंग अप द प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शंस फॉर द रेलवे यूनिट एंड पोस्ट नोटिफाई अगेंस्ट द RRB। तो यहाँ पर जो है इन्होंने बताया कि आपने जो RRB फिल की थी, यूनिट और पोस्ट जो फिल की थी उनको आप जो है वो कैसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो रेलवे ने यहाँ पर ये बोला है कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ALP एंड टेक्नीशियन के लिए उस समय जो है आपने फॉर्म भरा था इन जनरल, राइट, किसी स्पेसिफिक RRB के लिए आपने ये नहीं भरा था। उसके बाद इसका जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट स्टेज का वो हुआ था 9/8/2018 से लेकर 4/9/2018 तक, राइट। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो डिसाइड किए गए थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दे दी। साथ में इन्होंने ये बोला है कि जब ऑब्जेक्शन ट्रैकर की यहाँ पर लिंक ओपन की गई और हमको इनको जो इनपुट्स वगैरह मिले इसके हिसाब से इन्होंने जो है वो टाइम को सेव करने के लिए ये डिसाइड किया है कि जिन्होंने फर्स्ट स्टेज CVT एग्जाम दिया था उनको जो है अब एक मौका दिया जाएगा कि वो अपनी RRB को सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं कि वो किस RRB के लिए जो है वो अप्लाई उन्होंने किया था। साथ में अपनी रेलवे यूनिट और पोस्ट को जो है वो फिर से जो है वो मॉडिफाई यहां पर कर सकते हैं। साथ में इसके लिए जो है वो लिंक ओपन की जाएगी और उस लिंक पर आप जो है वो क्लिक करके अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा जो है ये सारी चीजें यहां पर कर सकते हैं, राइट। और ये स्टार्ट हो जाएंगी 22 सितंबर से। आगे इन्होंने ये बोला है कि द सिलेक्शन ऑफ RRBs एंड प्रायोरिटीज ऑप्शंस ऑफ पोस्ट रेलवे यूनिट वंस फाइनली सबमिटेड। यदि आप एक बार जो है इस पोस्ट को फिल करके सबमिट कर देते हैं तो आप इसको जो है वो दोबारा यहां पर मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। हैज कैंडिडेट में डिसाइड फॉर्मली करेक्टली RRB देयर चॉइस एंड ओनली वन प्रोसीड टू फिल द प्रायोरिटी ऑफ द रेलवे यूनिट्स। साथ में आप जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप वो सारी यहां पर जो है वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जितनी पोस्ट यहां पर सिलेक्ट करेंगे सिर्फ आप उसके लिए बस कंसीडर माने जाएंगे, राइट। बाकी और पोस्ट के लिए आपको कंसीडर यहां पर नहीं किया जाएगा। साथ में इन्होंने ये बोला है कि ऑल द कैंडिडेट हु हैविंग अपीयर्ड फर्स्ट स्टेज CVT हैव टू सिलेक्ट द RRB एंड प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शंस ऑफ रेलवे प्रोडक्शन यूनिट पोस्ट फिलिंग व्हिच देयर कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सेकंड स्टेज CVT। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने फर्स्ट स्टेज CVT का एग्जाम दिया था और वो जो है वो कोई पोस्ट सिलेक्ट नहीं करते हैं तो उनको जो है वो सेकंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है और वहां पर पोस्ट भी सिलेक्ट करना जरूरी है, राइट। आगे देखते हैं।
अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ एग्जाम ट्रेड। तो यहाँ पर जो है वो आरआरबी ने ये बोला है कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा जो है वो क्वालिफिकेशन रखते हैं और बहुत सारी पोस्ट के लिए जो है वो एप्लीकेबल थे, तो उन्होंने वहां पर बहुत सारे ट्रेड जो है वो फिल कर दिए थे। और उसके बाद जो है रेलवे को लगातार यहाँ पर कैंडिडेट द्वारा जो है ये मैसेज मिला कि वो अपने ट्रेड को चेंज करना चाहते हैं। तो अब जो है वो रेलवे ने डिसाइड ये किया है जिन कैंडिडेट ने एक से ज्यादा जो है वो ट्रेड को सिलेक्ट किया था एग्जाम देने के लिए, जिनका मल्टीपल क्वालिफिकेशन है, उन्होंने जो है वो आईटीआई भी की है, ट्वेल्थ भी किया है और भी बहुत सारी चीजें की हुई हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो कोई एक एग्जाम ट्रेड को जो है वो चूज कर सकते हैं और उनको सिर्फ जो है वो उसी ट्रेड में अपना एग्जाम देना है, राइट। और साथ में उनके लिए एक अच्छी चीज ये है कि जब वो सिर्फ एक ट्रेड के लिए एग्जाम देंगे और वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो सभी पोस्ट के लिए जो है वो क्वालिफाई समझे जाएंगे। तो आपको जो है वो कोई एक वहां पर ट्रेड को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और आप जो है वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल वहां पर हो जाएंगे। मतलब यदि आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट को जो है वो टच करेगा आप उसके लिए एलिजिबल यहां पर हो जाएंगे बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन पार्ट ए सेकंड स्टेज सीबीटी, राइट। यहां पर पूरा दिया गया है कि आप एक बार जो है स्टेट को चेंज कर देंगे तो आप जो है दोबारा इसको जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इसको आप बहुत सोच समझ के जो है वो फिल कीजिए। अब आगे हम बात करते हैं कंफर्मेशन मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल फॉर एप्लीकेशन फी रिफंड। तो एप्लीकेशन फी रिफंड के लिए यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि आपको कैसे कंफर्म और मॉडिफिकेशन जो है वो करना है अपनी बैंक डिटेल में। यदि आप पूरी से अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे अकेडमी फॉलो करके उसके बाद मैंने ये कोर्स वहां पर जो है वो क्रिएट किया जहां आप देख सकते हैं प्रिपरेशन करंट अफेयर्स डेली क्वेश्चन एनालिसिस रेलवे एग्जाम। यहां पर मैं जो है वो लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अकेडमी का स्क्रीन शॉट है। यहां मैं डेली बेसिस पे आपको जो है वो डेली के एनालिसिस प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में कुछ नए टॉपिक जो मैं YouTube पर अपलोड नहीं कर सकता वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर फॉलो कर लीजिए, सभी कुछ फ्री है, वहां पर जाकर आप एनरोल कर लीजिए। तो आपको जो है यहाँ पर एक लिंक जनरेट की जाएगी और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी में आपने जो भी करेक्शन करना वो आप वहां पर कर सकते हैं। तो आप जो बैंक अकाउंट यहाँ पर डिटेल देंगे उसमें अपना नाम जो है वो बहुत अच्छे से देख के भरिए, अपना बैंक का आईएफएससी कोड और अपना अकाउंट नंबर जो है वो अच्छे से वहां पर जो है फिल कीजिए। उसके बाद जब आप इसको मॉडिफाई करेंगे अकाउंट को, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो है वो OTP आएगा, वो OTP आपको वहां पर जो है वो फिल करना है, तो आप जो है वो सारी चीजें वहां पर फिल कर सकते हैं और उनको कंफर्म कर सकते हैं। साथ में यदि आप एक बार कंफर्म कर देंगे तो ये दोबारा मॉडिफाई नहीं होगा, इसलिए आप सोच समझ के जो है वो फॉर्म को फिल कीजिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। तो आप कहीं पर भी जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको करना है 1/10/2018 तक, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2018 को रात को 12 बजे तक जो है आप ये सारे चेंजेस वहां पर कर सकते हैं और आप बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि यदि आपने एक बार चेंज कर दिया तो वो दोबारा मॉडिफाई नहीं होगा, राइट। तो आप बहुत अच्छे से जो है वो देखकर चीजों को कीजिए। और यदि आपको कोई डाउट है तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप जो है मुझे अनअकैडमी पर जो है मैसेज करके सारी चीजें पूछ सकते हैं, राइट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में यहां पर पूरी लिस्ट दी गई है कि कैसे जो है वो कहां कहां की आरआरबीज के लिए कितनी वैकेंसी बढ़ाई गई है, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपलोड कर दी है पूरी PDF, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आप जिस भी आरआरबी से जो है वो चेंज करना चाहते हैं पोस्ट को वो कर सकते हैं, कितनी पोस्ट है क्या चीजें हैं वो सारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी t.me/allindiagurujee। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए और ये PDF और ये पूरी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो ओके फ्रेंड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपको यहां पर देनी थी। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं और भी नई चीजों के साथ और भी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।